तो वेलकम फ्रेंड्स एम एम फाउंडर्स यूट्यूब चैनल पे आप लोग का स्वागत है आज मैं फिर से आप लोगों के लिए करंट अफेयर का सुपर प्रैक्टिस सेट दो के साथ उपस्थित हूँ 50 प्रश्नों को कोशिश किया जाता है कि 12 से 15 मिनट के अंदर समाप्त करवा दिया जाए ये करंट अफेयर्स आपको बी एस एस सी इंटरमेस बी पी एस सी पी टी रेलवे एन टी पी सी और अन्य महत्वपूर्ण एग्जामिनेशन के दृष्टिकोण से बहुत ही फायदेमंद साबित होंगे इसका पी डी एफ हमारे टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल है तो चलिए बिना वक्त के वीडियो को शुरू करते हैं सेट का प्रथम प्रश्न बोल रहा है कि पूर्वी हिंद महासागर में पास दो हजार बीस नौसैनिक युद्ध अभ्यास दो देशों के बीच में संपन्न किया गया था पास एक्स इसका सही उत्तर हो जाएगा भारत और रूस के बीच में प्रश्न संख्या दो एक दिसंबर दो हजार बीस को मनाए गए विश्व एड दिवस का क्या थीम था ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा ग्लोबल सॉलिडिटरी सेयर रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रश्न संख्या तीन महिला उद्यमिता का समर्थन करने के लिए मास्टर कार्ड ने किस निकाय के साथ परियोजना किराना शुरू करने की साझेदारी की है इसका सही उत्तर हो जाएगा यू एस एड यू एस एड जो है आपको यूएस बेस्ड एक एन जी ओ है जो ना सिर्फ महिला के क्षेत्र में बल्कि प्राथमिक शिक्षा के क्षेत्र में भी काफ़ी काम करती है प्रश्न संख्या चार हाल ही में किस देश में पी एम मोदी ने रुपे कार्ड का दूसरा चरण का शुरुआत किया गया है तो इसका सही जो जगह भूटान में किया गया है प्रश्न संख्या 5 बोल रहा है कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में सार्वजनिक परिवहन प्रणाली में सुधार करने के लिए न्यू डेवलपमेंट बैंक के साथ कितने मिलियन डॉलर के ऋण के समझौते पर हस्ताक्षर किया गया है एनसीआर की बात की जा रही है 500 मिलियन डॉलर की बात होगी यहां पे प्रश्न संख्या 24 पुलिस स्टेशन को गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली के लिए आई एस ओ नौ प्रमाण पत्र प्रदान किया गया है तो उत्तर पुलिस स्टेशन कोहिमा इसको ये प्रदान किया गया है प्रश्न संख्या सात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा इक्कीस सितंबर 2020 को किस राज्य में घर तक फाइबर योजना की शुरुआत की गई है इसका सही उत्तर हो जाएगा बिहार में किया गया था सितंबर में किस विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने दुनिया की पहली बायोनिक आंख बनाई है इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी मोनास यूनिवर्सिटी के द्वारा वहाँ के वैज्ञानिकों के द्वारा जो है आपको पहली बायोनिक आँख बनाई गई है प्रश्न संख्या नौ हाल ही में भारत के किस बैंक ने अपने ग्राहकों के लिए वीडियो के वाई सुविधा देने की शुरुआत की है एच बैंक ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा वहीं पर आई बॉक्स नामक परियोजना का लॉन्च जो है आई बैंक के द्वारा शुरुआत किया गया है प्रश्न संख्या दस किस राज्य सरकार द्वारा अम्मा मोबाइल राशन सॉप्स लॉन्च किया गया है तो अम्मा नाम के अमूमन जितने भी परियोजनाएं होती हैं वो आपको तमिलनाडु से संबंधित हो जाता है तो इसका भी उत्तर आपको बी हो जाएगा तमिलनाडु प्रश्न संख्या ग्यारह गैस आधारित पावर प्लांट के लिए रिलायंस पावर का किस देश के साथ समझौता हुआ है तो अभी ये हाल ही में आपको बांग्लादेश के साथ समझौता हुआ है प्रश्न संख्या बारह आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना की शुरुआत कब हुई थी ये थोड़ा सा पुराना सवाल है एक साल पुराना है तो ये तेईस सितंबर 2018 को किया गया था इसका शुरुआत प्रश्न संख्या तेरह पुस्तक गर्ल पावर इंडिया वुमेन हु ब्रोक द रूल्स के लेखक कौन है इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए जे हीरा नंदानी प्रश्न संख्या चौदह बोल रहा है कि अगस्त 2020 में किस प्रसिद्ध उर्दू कवि का इंदौर में कोविड उन्नीस के इलाज के दौरान निधन हो गया था ये बोल रहा है अगस्त 2020 में तो राहत इंदौरी राहत इंदौरी इन इनका भी कुछ दिन पहले यूट्यूब पर काफ़ी फेमस हुआ था बुलाती है मगर जाने का नहीं तो ये राहत इंदौरी ही थे और भी इनके बहुत सारी कृतियाँ हैं प्रश्न संख्या पंद्रह बोल रहा है कि किसकी अध्यक्षता में खेल मंत्रालय ने राष्ट्रीय खेल पुरस्कार दो हेतु चयन समिति की गठन की है इसका सही हो जाएगा मुकुंद अकम शर्मा और पाँच व्यक्तियों को राष्ट्रीय खेल पुरस्कार मिल भी चुका है सोलह वर्ष दो हजार बीस से लेकर तेईस के लिए एक नई राज्य औद्योगिक विकास नीति की शुरुआत किस राज्य सरकार के द्वारा की गई है इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश के द्वारा किया गया है है प्रश्न संख्या बोल रहा है कि विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर किस राज्य के मुख्यमंत्री ने इंदिरा वन मितान योजना शुरू करने की घोषणा की है इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए छत्तीसगढ़ और जहां पर पूछा जाएगा ओरछा महोत्सव तो वो हो जाएगा आपको मध्य प्रदेश में और विश्व आदि दिवस आपको 9 अगस्त को मनाया जाता है प्रश्न संख्या 18 पे राज्य है और उसका डिजिटल पहल उसको जो जो हमको सही सुमेलित जो पूछ रहा है कि कौन सा सही सुमेलित है ठीक है ठीक ना देख लीजिए इसका सही उत्तर हो जाएगा अठारह का ऑप्शन सी बिहार का उन्नयन ये सही है बाकी जो है वो सही नहीं है प्रश्न संख्या उन्नीस केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्रालय ने श्रमिकों व रोजगारों प्रदाताओं की शिकायतों का निवारण करने के लिए किस पोर्टल को लॉन्च किया है इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी संतुष्ट पोर्टल ठीक है ना इस हाल ही में चर्चा में रहा एन पहली बार कब तैयार किया गया था इसका सही उत्तर हो जाएगा 2010 में ये किया गया था ए नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर एन इसको बोला जाता है प्रश्न संख्या इक्कीस ऑपरेशन क्लीन आर्ट किस प्रजाति के बाल की तस्करी को रोकने के लिए चलाया गया है इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए नेवला के बाल को तस्करी को रोकने के लिए प्रश्न संख्या बाईस एक फरवरी 2020 को आयोजित ऑस्ट्रेलिया ओपन महिला एकल का खिताब किसने जीता था इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी शोफिया केनिन सोफिया केनिन ने इस पुरस्कार को जीता था खिताब को जीता था तेईस भारतीय रेलवे द्वारा कौन सा एकीकृत एक एक मोबाइल नंबर जारी किया गया है इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए एक सौ उनचालीस सारे जीवन सेवाओं का पता करने के लिए प्रश्न संख्या चौबीस बोल रहा है कि इंडिया कूलिंग एक्शन प्लान किस मंत्रालय आयोग द्वारा जारी किया गया है इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के द्वारा इंडिया कूलिंग एक्शन प्लान इसका मेन मकसद जो है आपको जो तापमान को कम करने का उसी के एक पार्ट के रूप में ये काम करता है प्रश्न संख्या पच्चीस बोल रहा है कि आई क्रिकेट विश्व कप दो के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है देख लीजिए ये बोल रहा है कि इस विश्व का आपका आयोजन इंग्लैंड तथा वेल्स में किया गया था बिल्कुल सही है इस विश्व कप में कुल दस टीमों ने भाग लिया था यह भी सही है प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट के रूप में बेन स्ट्रोक को चुना गया था नहीं इसको मैन ऑफ द मैच चुना गया

से उत्तर हो जाएगा डी चालीस जनसंख्या अट्ठाईस सातवीं आर्थिक जनगणना कि शुरुआत कहाँ से आ, की गई थी इसका सही उत्तर हो जाएगा त्रिपुरा से ये प्रश्न भी थोड़ा सा पुराना प्रश्न है प्रश्न संख्या उनतीस बोल रहा है कि हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा अपने राज्य के पक्षी को बचाने के लिए ऐप लॉन्च किया गया है इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी बिहार का जो राजकीय पक्षी गोरैया है उसको बचाने के लिए आपको ये ऐप लॉन्च कर गया है गया था और ये प्रश्न भी थोड़ा सा आपको पुराना है प्रश्न संख्या तीस बोला जा रहा है कि तेरह फरवरी दो को किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन ने एस्टे विथ रिफ्यूजी अभियान की शुरुआत की है इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए यूएनएच सी आर के द्वारा ये शुरुआत किया गया था संख्या इकतीस बोल रहा है कि वी सिद्धार्थ जिन्होंने हाल ही में आत्महत्या कर ली कौन थे तो ये कर्नाटक के प्रसिद्ध उद्यमी थे और इनको कॉफी डे का संस्थापक माना जाता है समुद्र किनारे इन्होंने अपनी आत्महत्या कर ली इनका लाश मिला था बत्तीस छियासठवां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में किसी बेस्ट फीचर फिल्म का पुरस्कार प्रदान किया गया है इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी हेलेरो हेलोरो जो है गुजराती फिल्म है प्रश्न संख्या तैंतीस नाटो का तीसवां सदस्य किसे बनाया गया है तो उत्तरी मैसूरडोनिया को बनाया गया था डी इसका सही हो जाएगा प्रश्न संख्या चौतीस किस राज्य सरकार के कैबिनेट माँ बाप की सेवा नहीं करने वाले बच्चों को जेल भेजने का फैसला लिया गया है तो यह बिहार के द्वारा लिया गया था ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा संख्या पैंतीस बोल रहा है कि संयुक्त राष्ट्र की संस्था आई के हालिया रिपोर्ट के अनुसार विश्व की सबसे बड़ी औद्योगिक दुर्घटना में, में से एक किसे माना गया है तो ये भारत में घटित जो भोपाल गैस त्रासदी है इसको एक जो है औद्योगिक घटनाओं में इसमें से एक माना गया था ठीक है ना प्रश्न संख्या छत्तीस बोल रहा है कि भारत सरकार द्वारा टी समाप्त करने का लक्ष्य कब तक रखा गया है तो टी की बात जब की जाएगी दो तक और आपको मलेरिया की बात की जाएगी तो दो तक मलेरिया वाला प्रश्न आपको पिछले सेट में था टी वाला हो जाएगा दो हज़ार पच्चीस तक जनसंख्या सैंतीस निम्नलिखित में से कहाँ पर हिंदी को न्यायालय में तीसरी आधिकारिक भाषा का दर्जा दिया गया है इसका सही उत्तर हो जाएगा अबूधाबी और ये प्रश्न काफ़ी फेमस है प्रश्न संख्या अड़तीस जनजाति संग्रहालय जो स्वतंत्र सेनानियों को समर्पित किया गया है आ, किस राज्य में बनेगा जनजातीय संग्रहालय इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी गुजरात में बनेगा जनजातीय संग्रहालय स्वतंत्रता सेनानियों के लिए समर्पित उनचालीस बोल रहा है कि आ, क्लीन प्लेट अभियान किस देश में शुरू किया गया है इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी चीन में क्लीन प्लेट अभियान शुरू किया गया है चालीस यूरोपीय संघ ने निर्माण श्री परियोजना निर्माण श्री परियोजना किस भारतीय राज्य के लिए शुरू की है यूरोपीय यूनियन की बात की जा रही है इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी महाराष्ट्र उड़ीसा इसके लिए आपको निर्माण श्री योजना की शुरुआत की गई है इकतालीस ग्वालियर चंबल एक्सप्रेस वे का नाम बदलकर किस राजनेता के नाम पर किया गया है ग्वालियर चंबल वे इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी अटल बिहारी वाजपेयी बयालीस द एनी स्कूल नामक पहल की घोषणा किसने की है इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए गूगल द एनी स्कूल प्रश्न संख्या तैंतालीस बोल रहा है कि इक्यावनवा भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का आयोजन किस में राज्य में किया जाएगा इसका सही उत्तर हो जाएगा गोवा और ये प्रश्न आपको ई जो पीटी इस बार हुआ है उसमें पूछा भी गया था चौवालीस बोल रहा है कि किस देश ने स्पुतनिक पाँच नाम के दुनिया की पहली कोविड उन्नीस वैक्सीन लाई तो इसको लाया गया था आपको रूस के द्वारा संख्या पैंतालीस बोल रहा है कि पुस्तक क्रिकेट द्रोणा के लेखक कौन है इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी जतिन परांश पे प्रश्न संख्या छियालीस बोल रहा है कि गंदगी भारत छोड़ो अभियान किस राज्य में शुरुआत किया गया है इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी मध्य प्रदेश में गंदगी भारत छोड़ो सैंतालीस बोल रहा है कि ऑनलाइन शिक्षा के लिए जी स्वीट और गूगल क्लास रूम लॉन्च करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा महाराष्ट्र के द्वारा आपको गूगल क्लासरूम और आपको जी स्वीट प्रश्न संख्या 48 गूगल ने भारत में रोजगार आवेदन हेतु निम्न में से किस एक ऐप को लॉन्च किया है इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए कोर्मो जॉब्स ऐप्स कोर्मो जॉब्स ऐप्स को भारत में लॉन्च किया गया है गूगल के द्वारा उनचास बोल रहा है कि प्रसिद्ध फुटबॉल खिलाड़ी डियोगो मार्डोना का हाल ही में निधन हो गया है उनका संबंध किस देश से है काफ़ी फेमस ये फुटबॉलर थे इनका सही संबंध हो जाएगा बी अर्जेंटीना के ये थे प्रश्न संख्या पचास बोल रहा है कि ई ऑफिस पोर्टल शुरू करने वाला बिहार का प्रथम एवं देश का तीसरा रेल मंडल कौन है इसका सही उत्तर हो जाएगा समस्तीपुर रेल मंडल के द्वारा ई ऑफिस पोर्टल की शुरुआत की गई है तो फिर से आपने पचास प्रश्नों का एक और सेट देखा जो करंट के क्विक रिस्पॉन्स सिस्टम के ऊपर आधारित था आप बताइए कि आपको ये सेट कैसे लग रहे हैं और क्या आपको आगे भी सेट चाहिए तो कोशिश होगी कि एग्जाम से पहले आपको जितना मैक्सिमम से मैक्सिमम सेट हो इसको करवा तो दिया जाए चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब करें यदि आपको वीडियो पसंद आए तो उससे लाइक शेयर करना आपके लिए मिलते हैं किसी और वीडियो में वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सब्सक्राइब करें हमारे चैनल एम सिंह फाउंडनेस को और बेल आइकन को प्रेस करने के बाद नोटिफिकेशन को ऑन कर लें कम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी एवं संबंधित सभी जानकारी सबसे पहले पाने के लिए